फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, दिवाली नजदीक है और हम सभी अपने घरों को डिफरेंट टाइप के लाइट्स और लैंप से डेकोरेट करते हैं। आज हम इस टाइप की वाटर बॉटल को रीयूज करके एक एंटीक लैंप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। लैंप बनाने के लिए मैंने ये प्लास्टिक बॉटल ली है, जिसपे मैंने ये मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट से हम इसे कट करेंगे। ये हमने बॉटल को कट कर लिया है। ये मैंने एक कार्डबोर्ड पीस लिया है, जिसपे हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने ये एक लिड ली है। आप इसकी जगह कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट ले सकते हो। अब हम इसे मार्क करेंगे। ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। हमने सर्कल कट कर लिया है। अब हम इसके नाप के अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाएंगे और उसे कट करेंगे। ये हमने सर्कल कट कर लिया है। अब ये जो हमारी बैटरी ऑपरेटेड लाइट है, उसको हमको इस तरीके से पास ऑन कराना है, इसलिए मैंने ये सर्कल कट किया है। इस तरीके के मैंने दो सर्कल कट किए हैं। अब हम इसे पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने व्हाइट सीमेंट लिया है। अब हम व्हाइट सीमेंट, व्हाइट ग्लू और वाटर से इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। अब हम इस पेस्ट को इस कार्डबोर्ड पे अप्लाई करेंगे। हमने व्हाइट सीमेंट का पेस्ट लगा लिया है। सेम ऐसे ही हमें अपने बॉटल पे मार्क करके इस पे पेस्ट लगाना है। अब हम इस पेस्ट को इस पे लगाएंगे। ये हमने व्हाइट सीमेंट का पेस्ट अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये ड्राई हो चुका है। इस फेविकोल की बॉटल पे मार्क करके इसे कट कर लेंगे। मैं इस पॉइंट से इसे मार्क कर रही हूँ। कटर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। अब हम अपनी बॉटल पे इसको कुछ इस तरीके से रख कर पेस्ट करेंगे। करने के लिए मैं यहाँ मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह एमसील भी ले सकते हो। इसकी हमें इक्वल क्वांटिटी लेनी है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें कलर इक्वल आने तक का इसे मिक्स करना है। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और दोनों का कलर इक्वल आ गया है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से रख कर इसे सील कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने मोल्डेड क्ले से इसे अच्छे से बाइंड कर लिया है। जब तक ये ड्राई हो रहा है, तब तक हम इस सरफेस को डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से रैप करेंगे। इसे हमें अपने पाम पे लेके कुछ इस तरीके से रब करना है, ताकि ये कॉटन विक्स की तरह हो जाए। अब हम इसे कुछ इस तरीके से रोल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके एंड को हमें ग्लू से स्टिक कर लेना है और कुछ इस तरीके से रोल बना लेना है। मैंने इसी तरीके से 25-30 रोल रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे यहाँ पर स्टिक करूंगी। इस तरीके से हमें ग्लू को फैला लेना है, इसे स्टिक करते जाएंगे। Thank you.
इस तरीके से स्टिक करते हुए हमें एक राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये हमने स्टिक कर लिया है। इस पोर्शन को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ डाल का यूज कर रही हूँ। हमें ग्लू को अच्छे से फैला लेना है। हमने ग्लू फैला लिया है। अब हम दाल को कुछ इस तरीके से घुमाते हुए पूरे पोर्शन पे स्प्रेड करेंगे। ये हमने दाल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। ये काम आप थोड़ा फास्ट करना ताकि हमारे ग्लू सूखने से पहले दाल इस पे अच्छे से स्टिक हो जाए। क्योंकि मैं इसके अपर पार्ट को टॉम्ब का शेप दूंगी, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एल्युमिनियम फॉइल। अब हमें इस एल्युमिनियम फॉइल को कुछ इस तरीके से क्रम्बल करना है। अब हम इस पे फिट करके देखेंगे, ये फिट हो रहा है। अब मैं टिश्यू पेपर पे इसे अच्छे से रैप कर लूंगी। कुछ इस तरीके से हमें रैप कर लेना है। मैं यहाँ दो टिश्यू पेपर का यूज कर रही हूँ ताकि इसकी सरफेस थोड़ी थिक हो जाए। इस तरीके से हमें रैप कर लेना है। ये एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर को हम कट कर लेंगे। ये इस पे फिट आ रहा है। अब हम ग्लू की हेल्प से इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे। ये मैंने रेड और ऑरेंज में ग्लास कलर लिए हैं, जिसे मैं कुछ इस तरीके से इस पे स्प्रेड करूंगी। हमें इसे रोटेट करते हुए स्प्रेड करना है। कुछ इस तरीके से हम इसे रोटेट करते हुए स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। फ्रेंड्स, ये काम हमें थोड़ा पेशेंस से करना है क्योंकि इसे इवनली स्प्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है। लैंप को शाइन करने के लिए मैं यहाँ ग्लिटर यूज कर रही हूँ। आगे का प्रोसेस हम इस ग्लास कलर को ड्राई होने के बाद करेंगे। ये मेरे पास एक लेस है जिसको मैं यहाँ पर स्टिक करूंगी। एक्स्ट्रा लेस को हमें कट कर लेना है। सेम इसी तरह हमें यहां पे भी लेस स्टिक कर लेना है। अब हम इसके अपर पोर्शन को भी डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने ये टिश्यू पेपर के रोल ले रखे हैं और इस तरीके से मैंने कुछ फ्लैट बीट्स लिए हैं जिससे मैं इसे डेकोरेट करूं। ये मैंने टिश्यू पेपर लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इस टाइप की फ्लैट बीट्स लगाऊंगी। लगा लिए हैं। अब हम दोबारा से एक राउंड टिश्यू पेपर का लगाएंगे। ये डेकोरेशन आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। आपको जैसी डेकोरेशन करनी है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टिश्यू पेपर लगने के बाद इसके अपर पार्ट का लुक कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं इसे एंटीक लुक देने वाली हूँ। हम इसके लोअर पार्ट को कुछ इस तरीके से रख कर मार्क करेंगे। ये मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें इस पार्ट पे ग्लू लगा के इसको कुछ इस तरीके से स्टिक करना है। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ सुपर ग्लू का यूज कर रही हूँ। इसे फैलाते हुए हमें अब इसे स्टिक कर लेना है।
फ्रेंड्स, ये हमने बॉटल को अच्छे से स्टिक कर लिया है। अब मैं मेरे पास इस टाइप की लेस है, इसको मैं इस पर लगाऊंगी। ये हमने लेस अच्छे से स्टिक कर ली है। अब हम इस पार्ट को भी डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर दाल ली है, इसे हम इस पार्ट पे स्टिक करेंगे। ये हमें रोटेट करते हुए दाल को अच्छे से फैला लेना है। इस तरीके से हमें इसे उंगली से दबाते हुए अच्छे से स्टिक कर लेना है। अब अच्छे से स्टिक हो चुका है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं इस लैम्प को एंटीक लुक देने वाली हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर यूज कर रही हूँ। ये मैंने इसके लिए ब्लैक कलर लिया है। पहले हम इसे इस पे ब्लैक कलर करेंगे। जिस कोने पे कलर नहीं हो पा रहा है, उस जगह के लिए मैं यहाँ 0 नंबर का ब्रश ले रही हूँ, उससे हम उस कोने पे भी कलर कर लेंगे। ये मैंने गोल्डन डस्ट लिया है, जिसको मैं मीडियम की हेल्प से बाइंड कर लूंगी। अब हम इस पे गोल्डन कलर से हल्के हाथों से टच अप देंगे। कलर करने के बाद हमारे इस लैम्प का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। क्योंकि मेरे पास गोल्डन लेस नहीं थी, इसलिए मैंने इस पे गोल्डन कलर कर दिया है। अगर आपके पास गोल्डन लेस हो तो आप इस पे गोल्डन लेस ही लगाना। और ये एक बैटरी ऑपरेटेड लैम्प है। मैं इसे एक बार ऑन करके आपको दिखाती हूँ। ऑन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं लाइट ऑफ करके भी इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये DIY पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ एक और नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।